एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? तो मेरी कैट फैमिली से तो आप लोग सब मिल ही चुके हो गाइस, तो मैंने सोचा आज अपनी फैमिली से भी आपको मिला देती हूँ। तो ये है मेरे हस्बैंड इमरान, ये है हिबा और ये हिबान। तो ये है हमारी छोटी सी चौधरी फैमिली। एक्चुअली छोटी तो नहीं, माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है और इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको सबसे मिलाऊंगी, बट एट प्रेजेंट ये है हमारी छोटी सी फैमिली। तो गाइज ऐसे ही हमने आज सोचा कि चलो साथ में बैठ के एक अच्छा सा डिनर करते हैं, टेबल वगैरह लगा के, क्योंकि आज नया माइक्रोवेव लिया है, अपग्रेड किया है, क्योंकि पुराना जो माइक्रोवेव था वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था मुझे, तो आज हम लोगों ने थोड़ा बड़ा वाला लिया है और ग्रिलर के साथ है। तो आज की स्पेशल मम्मा की तरफ से है चिकन तंदूरी की डिमांड, तो आज हम लोगों ने वो बनाया है। तो जैसे ही रेडी हो जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने ना यहाँ पर जो चिकन मैरिनेट किया था ना, उसमें से एक पीस अलग से निकाल के रख दिया है, ये रॉ है, इसको मैं ट्राई करूँगी माइक्रोवेव में। और बाकी के जो चिकन है ना, उनको मैंने हाफ कुक करके रख दिया, बिकॉज मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा माइक्रोवेव में, और उसके सारे सिस्टम भी न्यू है तो मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे ना मैंने कल रात को ही अपने सैलड्स बना के रख दिए थे, कैबेज का सैलड बनाया था, ये पिकल बनाया है, ग्रीन चटनी है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइज फाइनली मेरा चिकन रेडी हो गया है। इसको पूरे 18 मिनट्स लगे कुक होने के लिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है, काफ़ी टेंडर भी लग रहा है। अब नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। तो मैंने इससे पहले भी माइक्रोवेव में कई बार बनाया है चिकन तंदूरी, लेकिन ये ग्रिलर जो है रोटेटिंग वाला, इसमें मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। ओह थैंक यू। सो गाइज चलिए मैं भी इन लोगों के साथ ज्वाइन करती हूँ डिनर के लिए, और पहले इंजॉय कर लेते हैं डिनर फैमिली के साथ में, और फिर मैं व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ डिनर के बाद। स्टे ट्यून्ड। गाइस तो खाना तो सबका हो गया है, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, लेकिन एक्साइटमेंट में और ये अंदर बाहर करने के चक्कर में जो ये जो मेरा हॉल का डोर है जहाँ से अभी हिबा आ रही है, इस डोर की मैं बात कर रही हूँ, तो इसी डोर से हम लोग ज़्यादातर एक्सेस करते हैं अपने किचन और अपने हॉल के बीच में। तो गाइस पता नहीं कैसे अलादीन एस्केप करके किचन में आ गया और उसने अलीसा को भी वैसे ही पकड़ लिया जैसे वो माशुका को पकड़ता है, और दोनों के बीच में कुछ सेकंड्स के लिए फ़ाइट हुई। मीनवाइल हम लोग आ गए थे, लेकिन ये देखिए इतने सारे बाल जो है अलीसा के निकल गए। अब पता नहीं इस फाइट में अलादीन ने उसे नाखून से मारा है या दांत से मारा है, लेकिन काफ़ी सारे जो अलीसा के बाल हैं देखिए आप निकल चुके हैं। तो आई डोंट नो इसके ये एग्रेसिव नेचर का क्या रीज़न है, अगर किसी के साथ में ये एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ शेयर करके मुझे बताइए, क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अलादीन को जो है थोड़ा धीरे धीरे करके जो है इंट्रोड्यूस कराएं अलीसा से, बट जैसे ही उसको मौका मिलता है, थोड़ा भी डोर ओपन मिलता है, तो वो भाग के आ जाता है और यू नो अलीसा के ऊपर या फिर माशुका के ऊपर बिल्कुल पाउंस करता है। सो गाइज मैंने अलीसा को फाइट के बाद अच्छे से चेक किया, उसे कोई भी ऐसी इंजरी वगैरह नहीं हुई है, कोई भी बाइट्स नहीं है या फिर नेल के स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं है, शी इज़ ऑल गुड। और उसने अपना डिनर भी कंप्लीट कर लिया है और माशुका के साथ थोड़ा बहुत खेली भी है, अब शायद बिल्कुल नींद में आ गई है, तो मैं इसे सोने देती हूँ। सो गाइज ये वैसे तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था, क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों की जो मीटिंग होगी वो कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से तो नहीं होने वाली है, फर्स्ट मीटिंग जो होगी वो एग्रेसिव नेचर में ही होगी, इतना तो हम लोगों को यू नो एक्सपेक्टेड था। तो ये हम एज अ फर्स्ट मीटिंग इन लोगों की कंसिडर करके चल रहे हैं, जो कि यू नो अपने आप हो गई, बाई चांस हो गई। तो फिर हम लोग अभी कोशिश करेंगे कल फिर से इन दोनों को कुछ और तरीके से यू नो इंट्रोड्यूस कराने की। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज अच्छा लग रहा है घर में तीन तीन कैट्स आ गई हैं एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू यू नो वी आर थिंकिंग अबाउट ग्रोइंग दिस फैमिली बिगर एंड बिगर। बट येस होपिंग के अलादीन और जो न्यू कैट है हमारी उसके बीच में जल्दी से फ्रेंडशिप हो जाए, दोस्ती हो जाए और हमें बहुत जल्दी छोटे छोटे बच्चे देखने मिले। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, मेरे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली, एंड आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज़ यहाँ पे माशुका का नाइट रूटीन चल रहा है, जिसमें हम उसको रोज़ जो है उसके वुंड को क्लीन करते हैं और उसके ऊपर दवा लगा के फिर उसे कॉलर पिना देते हैं, सो दैट वो आराम से सो जाए। और ओवरनाइट में जो इसकी हीलिंग प्रोसेस है ना, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो सुबह तक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी देखने मिलता है। तो बस इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम आपके साथ में न्यू स्टोरीज़ के साथ में और कुछ नए एडवेंचर के साथ में। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।